नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शेफ धीरज है। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि आपका कुकिंग पैशन है और आपको लगता है कि आपको शेफ ही बनना है, तो ये क्या सही है या गलत है। मेरे पास कई सारे क्वेश्चंस आते हैं। मैंने इंजीनियरिंग कर ली है, मैंने बीटेक कर लिया है, मेरा ग्रेजुएशन हो गया है, मैं एक हाउसवाइफ हूँ, मुझे कुकिंग में बहुत ही मेरा एक पैशन है। तो क्या मुझे एक शेफ बन जाना चाहिए या मुझे कुछ और करना चाहिए? सबसे पहले मैं आपको यहाँ बताऊंगा, ये जो पैशन शब्द है ये अभी अभी एग्जिस्ट हुआ है। कुछ ही सालों पहले पता चला है कि भाई पैशन भी कुछ चीज़ होती है। उससे पहले एक शब्द होता था हॉबी, हम लोग सभी उसका इस्तेमाल करते थे। कुकिंग मेरी हॉबी है, ट्रैवलिंग मेरी हॉबी है, म्यूजिक सुनना मेरी हॉबी है, पर जो ये पैशन शब्द ने उसको कम्प्लीटली रिप्लेस कर दिया है। अब हम कभी भी बोलते हैं ये मेरा पैशन क्यों है, क्योंकि जो भी हम अपने इन्वायरमेंट में देखते हैं, आप जो भी टीवी शोज़ में देखते हैं, हिंदी हो इंग्लिश हो, आपको बड़े बड़े शेफ़ नज़र आते हैं, स्मार्ट दिखते हैं, और आपको लगता है कि भाई ये जो चीज़ें हैं आप उनसे रिलेट कर पा रहे हो, आप उसके जो आउटकम है वैसा अपने आप को सोचने की कोशिश करते हो, या आपको लगता है कि भाई मैं अगर ये कोर्स या डिप्लोमा कर लूँगा तो मैं वैसा ही बन जाऊँगा, मैं टीवी पर आ जाऊँगा, मैं फेमस हो जाऊँगा, बहुत सारे पैसे कमा लूँगा। पर एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। आप अपनी चीज़ें स्टार्ट करते हो, जो आपका पैशन भी नहीं था आप उसको अपना पैशन मान लेते हो, वो सिर्फ आपकी हॉबी थी। तो यही डिफरेंस है आपकी पैशन और हॉबी में, क्योंकि उन लोगों ने उस पैशन को डेवलप करा एज अ अर्निंग के तौर पे और वही उनके लिए आज काम कर रहा है। अगर आप भी सोच रहे हो कि इस कैरियर को आगे परस्यू करना, तो आपको यही समझना होगा ये आपकी हॉबी है, ये आपका पैशन है। और हमेशा ऐसी चीज़ों को अपने अपने आप में पैशनेट कीजिए, अपने अपने आप को पैशनेट बनाइए ऐसी चीज़ों के लिए जो कि आप मोनेटाइज कर सके। जैसे कि अगर मैं बोलता हूँ कंचे खेलना मेरा पैशन है, तो क्या मैं कंचे खेलने से कभी पैसे कमा पाऊँगा? जी नहीं, मैं नहीं कमा पाऊँगा। वहीं अगर आप पबजी की बात करें, इससे पहले लोग यूट्यूब पर पबजी खेल के भी पैसे कमा रहे, तो वो उस गेम्स के लिए पैशनेट थे और उससे भी पैसे कमा रहे थे। अगर मैं यूट्यूब अभी बना रहा हूँ, तो मैं भी इससे अर्निंग कर रहा हूँ और मैं इसके लिए पैशनेट हूँ। मेरी रोज़ की वीडियो आ रही है, 400 से भी ज़्यादा हो चुकी है। पर यहीं जब आप उस चीज़ से वो आउटकम नहीं ले पाते हो, आप एक डिग्री कर लेते हो, डिप्लोमा कर लेते हो, या ऐसे ही एंटर कर जाते हो, पर आपको जब वो रिजल्ट्स ही नहीं आते हैं, आप एक जगह कॉमी थ्री बन के बैठ जाते हो, कई साल तक वहीं गुजर जाते हैं, ना आप टीवी पे आ पाते हो, ना आप उस शेफ़ की तरह जो बनना चाहते नहीं बन पाते हो, तो जो आपका जो पैशन है वो धरा का धरा रह जाता है, क्योंकि कहीं भी उसके अंदर मॉनेटरी पार्ट इंक्लूड नहीं हो रहा है। तो जब भी आप अपने कैरियर के बारे में सोचे, और सबसे पहले जब भी ये सोचे कि ये मेरा पैशन है और मुझे यही करना चाहिए, नॉट इवन कुकिंग, कहीं पर भी अगर आपको लगता है कि ये मेरा पैशन है, मुझे ये करना चाहिए, तो आपको वहाँ पर जो उसका आउटकम है जिससे आप अपने आप को कंपेयर कर रहे थे, ज़रूर देखना होगा कि उसकी जर्नी कितनी लंबी है। उसकी जर्नी कोई आसान नहीं रही होगी, उसने कि आज होटल मैनेजमेंट किया और कल को टीवी पे आ गया और परसों वो करोड़ों कमाने लग गया, ऐसा कभी नहीं होता है। आपको उसकी जर्नी को समझना होगा। तो आप उतना टाइम अगर इंडस्ट्री को दे सकते हैं, उतने पैशनेट के साथ काम कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये भी हो सकता है कि आप चीज़ें स्टार्ट करें, आपको बिल्कुल भी पैसा ना मिले, पर जब आपको पैसा नहीं मिलेगा, आप बुरी तरीके से थक जाते हैं, हार जाते हैं और इस कैरियर को छोड़ देते हैं। लगभग 90% लोगों के साथ यही होता है, जो इस माइंडसेट से आता है कि ये मेरा पैशन है और मैं इसको करता ही रहूँगा चाहे मुझे पैसे भी ना मिले। तो यही आपको सोचना होगा, आपको अपनी हॉबी और पैशनेट पैशन के अंदर डिफरेंस क्रिएट करना होगा। अगर आपका पैशन कुकिंग है और आप कुकिंग को बहुत ही नेक्स्ट लेवल पे जाना चाहते हो अपने अपने अपनी शिक्षा के साथ, तो आपको ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना होगा, आपको अपने हॉबी और पैशन में डिफरेंस करना होगा। अगर आप यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं, हम पैशनेट हैं हम किसी चीज़ के लिए, तो जब जब आप उसको बिल्कुल शिद्दत से करते हैं और बिल्कुल एक रोड मैप की तरह करते हैं, तो आपके पास कई सारे ऑप्शंस आ जाते हैं जहाँ की भी आप सिर्फ पैसा कमाने लग जाते हैं, चाहे आपकी जॉब हो, आपके खुद के स्टार्टअप्स हो, तो आपको उन चीज़ों पर भी ध्यान देना है। ये नहीं कि अगर आप सिर्फ कुकिंग में पैशनेट है तो आप कुकिंग में इतने इन्वॉल्व हो जाएँ कि बस कुक ही करते रह जाएँ। यहीं अगर आप संजीव कपूर, रणवीर वोरा, विकास खन्ना सिर्फ कुकिंग में ही लगे रहते, तो अभी वो इतने बड़े बिजनेस टाइकून और इतने बड़े रिच शेफ़ नहीं बनते। तो आपको भी यही ध्यान रखना है कि आपको सिर्फ एक कुकिंग ना सोच के बाकी के जो उसके पार्ट्स होते हैं उनके ऊपर भी ध्यान रखना है, कैसे स्टार्टअप्स होते हैं, क्या चीज़ होती है, किस तरीके से सारी ये सारी सारी चीज़ें होती हैं जिससे कि आप पैसा अर्न कर पाएंगे। मैं चाहता हूँ आपकी भी कुकिंग जो पैशन जो हॉबी है वो पैशन में तब्दील हो जाए, और जो पैशन है वो आपको आपके लिए आप जो भी करना चाहते हैं लाइफ में कर पाए। पर आपको भी यहाँ यही ध्यान रखना है, आपको हॉबी पैशन के बीच में फ़र्क करना है। सिर्फ उसके आउटकम्स पे मत जाइए, जो उसके जो अंदर की चीज़ें हैं वो भी समझने की ज़रूर कोशिश कीजिए।
उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आपकी हॉबी और पैशन के बीच में आपको अंतर समझ आया होगा और आप सिर्फ उसके आउटकम के जो रिजल्ट है उसके ऊपर डिपेंड नहीं होंगे। तो चलिए फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।